दिवाली के मद्देनजर आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला अस्पताल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। डॉक्टरों की ड्यूटी का रोस्टर बना दिया गया है। सभी डॉक्टरों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अस्पताल के SIC अभय चंद श्रीवास्तव ने बताया कि दिवाली के मद्देनजर इमरजेंसी वार्ड में दोगुना स्टाफ लगाया गया है। डॉक्टरों और फार्मासिस्ट को तैनात किया गया है। वार्ड बॉय की संख्या बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में झुलस कर आने वाले मरीजों के लिए सभी दवाएं मौजूद हैं। इमरजेंसी वार्ड में बेड आरक्षित किए गए हैं। डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि मरीज के आते ही इसका इलाज शुरू कर दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SIC अभय चंद श्रीवास्तव ने कहा, दीपावली में जो अधिकांश दुर्घटनाएं होती हैं वह पटाखों के कारण जो चोटें आती हैं हाथ में और यूजली आँख में, इसके लिए आवश्यक जो दवाइयां हैं आँख के लिए जो आई ड्रॉप आइंटमेंट, ये सब आपूर्ति आकस्मिकता में करके इमरजेंसी में रखवा दी गई हैं। वैसे इमरजेंसी में टैबलेट देने का प्राविधान नहीं है, इंजेक्टेबल्स रहते हैं और टैबलेट्स वगैरह वार्ड में मिलते हैं। फिर भी इमरजेंसी में भी कुछ आवश्यक टैबलेट्स भी और एंटीबायोटिक एनाल्जेसिक रखवा दिए गए हैं। डॉक्टर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। सारी वार्ड ऑलरेडी मेरा 36 बेड का चल रहा है, उसमें 4-5 मरीज रहते हैं और उसी में 10 बेड को इमरजेंसी दीपावली के मद्देनज़र उसको आरक्षित कर दिया गया है। डॉक्टर्स जो भी हैं जो ड्यूटी पे हैं वो तो रहेंगे ही, उनके अलावा जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनको स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि उनका मोबाइल आउट ऑफ रीच या स्विच ऑफ ना हो। बीच बीच में अपने मोबाइल में सिग्नल चेक कर लिया करें और सभी सतर्क हैं।